चंडी के एक निजी विद्यालय में संस्कृति कार्यक्रम का पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने किया उद्घाटन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना। हम आपको बता दें कि गुरुवार को चंडी के एक निजी विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने किया है। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि 12 फरवरी को शक्ति परीक्षण है क्या कुछ, इस विषय पर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह कह रहे हैं, जरा सुनिए। तो 12 तारीख को देखिए, आप सब जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शपथ लिया है तो उनका तो शक्ति परीक्षण होना है, बहुमत सिद्ध करना है, और आज की तारीख तो जो बहुमत है वो एनडीए के साथ है। और उस दिन निश्चित रूप से मुझे लगता है जब एनडीए के पास बहुमत है तो सिद्ध कर लेंगे। इन राजनीति में तो देखिए हमेशा जो है ना कुछ जो कहते हैं ना कि अनिश्चितता का माहौल रहता है, और विपक्ष का क्या काम होता है, विपक्ष का काम ही होता है सत्ता पक्ष को घेरना, विपक्ष की रणनीति होती है सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करना। तो स्वाभाविक है कि जो विपक्ष में है वो लोग इस बात को रखें। जीतन राम मांझी पूरी तरह से एनडीए के साथ। अच्छे बीजेपी का एक जो राज्यसभा सांसद हैं उनका सीट खाली हो रहा है, क्या इस पर क्या कौन आ सकते हैं, क्या विचार कर सकते हैं? तो देखिए कोई इसमें विचार क्या होता है, वो तो देखिए जब पार्टी का पूरा जो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो जो भी उम्मीदवार होंगे हमारे उनको नाम घोषित करेंगे, और जो घोषित करेंगे वो सब जीत के जाएंगे। और सूत्रों से जानकारी ये भी है कि आप फिर से जदयू में शामिल होने जा रहे हैं? मैं तो आज बीजेपी में हूँ, मैं जदयू में कहाँ से हूँ यार, मैं तो बीजेपी में हूँ। और बीजेपी आप जानते हैं कि बिहार में एनडीए का हिस्सा है, तो मैं बीजेपी से जेडीयू में कैसे जा सकता, ये तो आप समझिए लोग वैसे ही है, ये एक तरह का पतंगबाजी करते रहते हैं।